देखिए, हिंदुस्तान की सरकार 2015 में जब राफेल की डील करती है तो हिंदुस्तान के सबसे तजुर्बेकार कंपनी हॉल को छोड़कर 15 दिन पुरानी कंपनी रिलायंस डिफेंस को एक बहुत बड़ा सौदा देती है जो तकरीबन 30 से 32 हज़ार करोड़ का है। ये जो कुछ भी हुआ है वो मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को मदद पहुंचाने के लिए किया है और इसी मुद्दे को बुनियाद बनाकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में और संजय निरुपम जी ने पूरे मुंबई शहर में एक आंदोलन छेड़ रखा है। पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे की छानबीन जो है वो JPC से कराई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। लोकपाल के नाम पर जब विरोध हुआ था कांग्रेस सरकार का तो ये तय हुआ था कि नई सरकार आएगी तो 100 दिन में लोकपाल लाएगी। 4 साल 4.5 साल ख़त्म हो रहे हैं, अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई लेकिन अभी तक लोकपाल नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि अदानी और अंबानी को जो फ़ायदा पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही वो कैसे करती। तो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के शहर का नेतृत्व संजय निरुपम साहब की अध्यक्षता में, अशोक राव चव्हाण साहब की नेतृत्व में हम लोग पूरी ताकत के साथ पिछले 2-3 महीनों से राफेल के लिए अनेक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन की एक कड़ी है ये। जब तक सरकार JPC का हमारी मांग को नहीं मानेगी, जब तक सरकार ये नहीं बताएगी कि कीमत क्या है, तब तक कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन शुरू रहेगा और ये शुरू रहेगा उस वक्त तक जब तक के देश आम चुनाव में नहीं जाता, और जब देश आम चुनाव में जाएगा तो उस बात का निर्णय देश की जनता करेगी, ये हमारा मकसद है। सर, इस आंदोलन का कितना असर होगा बीजेपी? देखिए, जब आम आदमी को ये मालूम पड़ता है कि जो चौकीदार था वो या तो सो गया था या वो चोरी में भागीदार था, तो उनको समझ में आता है कि हमको ठगा गया है। आप देख रहे हैं नोटबंदी, GST, जो अलग अलग कानून है, उस कानून के तहत जो देश में हाहाकार मचा है, जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं, जिस तरह से आम व्यापारी अपने घरों में बैठ रहा है और उसका पूरा फायदा देश के 2-4 सरमाएदारों को हो रहा है, ये सारी चीज़ें देश के सामने है। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, जात और धर्म का मुद्दा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों की जो एकजुटता है उसको तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जैसे कई हज़ार लोग भी पैदा हो जाएंगे तो इस देश की अखंडता और एकता को नहीं तोड़ सकते। यही संदेश कांग्रेस को देना है और यही राहुल गांधी दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आम चुनाव जब आएगा तो देश की जनता की जो नब्ज़ है वो आप सबके सामने आएगी और देश एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में आएगा, यही हमारा मकसद है। आज ये मुंबई कांग्रेस की तरफ से राफेल घोटाले पर पैदल मार्च निकाला गया। इस मोर्चे को निकालने की सबसे ख़ास वजह ये थी कि वो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जिन्होंने ये नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इतना बड़ा नारा देने के बाद, चूँकि ये इस देश में घोटाले का प्रचार बहुत ज़्यादा था, लोगों में गुस्सा था, इसलिए इस नारे की बुनियाद पर कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चौकीदार बन के रहूँगा, हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि ये 4 साल 4.5 साल से एक ही बात बार बार कहते थे, वो ये कहते थे कि ये काम सबसे पहले हमने किया। तो इस तरह की एक वादों की जो लाइन उन्होंने झड़ी लगाई थी कि हिंदुस्तान में ये काम पहली बार हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई, जो भी बातें करते थे वो ये बताते थे कि 70 साल में कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ। उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, हिंदुस्तान में इतना बड़ा घोटाला भी पहली बार हुआ, इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ था। वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को इस देश का चौकीदार बता रहे थे, कुछ कारोबारी घरानों के लिए उन्होंने पूरी सरकार नहीं बल्कि पूरे देश के सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। ये घोटाला सिर्फ 1,30,000 करोड़ का घोटाला नहीं है बल्कि ये देश की सुरक्षा से सबसे बड़ा खिलवाड़ है। देश की हमारी फौज जिसे 126 विमान चाहिए थे उसे सिर्फ 36 विमान दिए गए। मुझे बताइए, अगर अभी युद्ध हो जाए तो वो फौज जो हिंदुस्तान का गर्व है, वो फौज उसके पास सिर्फ 36 विमान होंगे जिसकी ज़रूरत 126 की थी, तो उस ये देश की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। तो इसलिए आज मुंबई कांग्रेस ने संजय निरुपम साहब की अध्यक्षता में राहुल गांधी साहब के निर्देश पर ये मोर्चा निकाला, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे मुंबई शहर से लोग यहाँ पर आए और इस मार्च को आज 5 किलोमीटर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता था। आपने देखा होगा, न सिर्फ युवाओं ने, न सिर्फ पुरुषों ने,
बल्कि बहुत बड़ी तादाद में इस मोर्चे में महिलाएं भी शरीक हुई और ये इस बात का प्रतीक है कि अब हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, पहले ही महंगाई से लोग त्रस्त थे, उसके बाद इतना बड़ा घोटाला, ये हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को और कमज़ोर कर देगा। आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा भुगतान देश की जनता को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 1,30,000 करोड़ का घोटाला जो है वो मामूली नहीं होता। और देश में जब भी ऐसे घोटाले होते हैं, इसके पहले नीरव मोदी लेकर भाग गए, मेहुल चौकसी लेकर भाग गए, मालिया लेकर भाग गए, वो तो 1,000, 9,000, 10,000 करोड़ के घोटाले हो ही रहे थे, उसके बाद ये 1,30,000 करोड़ का घोटाला, ये सारी चीज़ें, इसका सारा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पे आता है और उसका भुगतान इस देश के गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को करना पड़ता है। वो कमज़ोर आदमी जो पहले ही महंगाई और GST जैसे कानून को, नोटबंदी कानून से पहले ही परेशान था, उस पर इतना बड़ा घोटाला, ये देश की आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ने पर सबसे बड़ा हथौड़ा था जो नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस मोर्चे के साथ पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आने वाले 6 महीने में, अच्छे दिन जाने में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। मोदी सरकार ने नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आए 4.5 साल, लेकिन अब सिर्फ 7 महीना बचा है। नरेंद्र मोदी सरकार को ये बात समझ लेना चाहिए कि अब अच्छे दिन जाने वाले हैं, तो सिर्फ 7 महीने का इंतज़ार है। इस देश की व्यवस्था बदलेगी, इस देश की सरकार बदलेगी और इसको जनता बदलेगी, यहाँ के लोग बदलेंगे। सिर्फ 7 महीने बाद इस देश में एक नया प्रधानमंत्री आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँ।